शंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एजुसेल 2019 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एजुसेल 2019 का शुभारंभ मुख्य अतिथि असिस्टेंट मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार मीणा, TMU के संयुक्त कुल सचिव प्रवेश श्री मनोज कुमार गुप्ता, निदेशक छात्र कल्याण प्रोफेसर MP सिंह और कुंतनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर विनोद जैन ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इस सक्सेस के पीछे में बहुत सारे टीचर्स का, फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं से सीख कर, उन्हीं से प्रेरणा लेकर, उन्हीं के थ्रू मोटिवेशन लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा। तो और आगे तो अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो जस्ट सर्विस ज्वाइन की ही है। मैं दो तीन बातें बस जो मैं जब मैं मतलब मेरे थ्रू आउट जो मेरी जर्नी रही है उसमें जो मैंने दो तीन बातें सीखी हैं मैं वो जरूर बताना चाहूँगा। एक तो आप अगर जैसे सपने की डेफिनेशन जो होती है, जो मैं एक जो बोलते हैं कि हम एक सपना है हमारे मन में, तो सपने की डेफिनेशन मेरे हिसाब से जो होती है वो ये है कि सपना वो नहीं, जिंदगी में बहुत मुश्किलें तो आती ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अचीव कर लेंगे तो उसके बाद कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। जिंदगी मुश्किलें का दूसरा नाम है, कहते हैं कि अगर जिंदगी में दुख ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो उसी तरीके से कि अगर मुश्किलें नहीं आएंगी तो फिर जिंदगी जीने का मज़ा भी नहीं रहेगा। तो अगर आती हैं तो उनसे हताश होने की या उनसे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेझिझक होकर उनसे लड़िए, डटे रहिए। और आप, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आप उन मुश्किलों का पार कर जाएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि यार वो मुश्किलें थी नहीं, वो मेरे दिमाग में थी। मुझे भी GS पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, मैं आपको फ्रेंकली बता देता हूँ, कहीं आप सोचो कि नहीं नहीं। तो मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन 4th ईयर में, तब तक इंजीनियरिंग पढ़ा था, उससे पहले साइंस मैथ था बैकग्राउंड, तो इतना ज़्यादा GS पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो बहुत बोरिंग भी लगती थी स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में पढ़ा और हिस्ट्री में मज़ा आने लग गया, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बोरिंग हिस्ट्री लगती थी। तो नो ऑफेंस कि कोई अगर किसी का हिस्ट्री बैकग्राउंड है तो, बट मतलब सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री की बुराई कर रहा हूँ, कहीं आप लोग सोचो कि यार ये तो बोल रहे हैं कि हिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है। हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आपको प्रेजेंट में जानना है कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं तो क्यों हो रही है, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए शायद UPSC के सिलेबस में हिस्ट्री को रखा गया इसी पर्पज के। तो यार हिस्ट्री का तो ऐसा था कि बुक्स पढ़ने में तो स्टार्टिंग में मज़ा आता नहीं था, तो उसको कहानी की तरह पढ़ते थे कि क्योंकि कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा बर्डन है यार, इसने इसके साथ लड़ाई कर ली, अंग्रेज आ गए, इधर से फ्रांस आ गए, पोर्तुगीज आ गए, लड़ाई करे जा रहे हैं, कभी किस मराठा से लड़ रहे हैं, कभी किस से लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। अब ऐसे सोचिए कहानी है यार, ये इनसे लड़ रहे तो क्यों लड़ रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, इनका इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया तो उनके ऊपर क्या रीज़न है। क्योंकि UPSC कभी भी डेट्स नहीं पूछती है। अगर आप ये सोचें कि उसने उनके पानीपत की लड़ाई कब हुई थी तो ये UPSC कभी नहीं पूछेगी। आपको याद होगा वो अलग बात है, लेकिन UPSC उसके पीछे के रीजंस पूछेगी, क्या कॉजेस थे जो उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, क्या कॉजेस थे कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद क्या चेंजेस आए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं वैसे भी, या इन पर्टिकुलर इतने सारे सब्जेक्ट अगर आप एक एक सब्जेक्ट को रटने लगते हैं तो फिर आप ये समझ के रट ही रहेंगे और इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी नहीं। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से अप्रोच कर रहा है। तो हिस्ट्री को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको बोरिंग ना समझ के उसको एक स्टोरी की तरह पढ़े। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊंगा, अगर आपको 10 साल बाद भी पूछूंगा तो आपको याद रहेगी वो स्टोरी। लेकिन अगर मैं जैसे आज कुछ भाषण दे के चला गया मैं आपसे कल भी पूछूंगा तो मुझे नहीं लगता आपको याद होगा। तो ये हमारे साथ भी होता था, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ भी, हमारे साथ भी होता था कि कोई आता था, हम भी सोचते थे कि यार आएगा बकवास करेगा चला जाएगा। तो ऐसे ओकेजन पर आज के चीफ गेस्ट हैं श्री संजय कुमार मीणा जी, IAS 2018 बैच
ज्वाइंट प्रेसिडेंट मुरादाबाद अंडर ट्रेनी। बेसिकली आप लोगों के बीच में उनको बुलाने के लिए और हमारे जो डीआईओ साहब हैं एस मुरादाबाद, हम लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे हम लोगों को मोटिवेशन लेना है, कैसे हम लोगों को अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है, कैसे हम अपने आप को अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में अपने लिए और अपने समाज के लिए और अल्टीमेटली अपने देश के लिए उस हाइट पर लेकर जा सकते हैं। तो आपकी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, हमारे प्रिंसिपल देवांशी यादव जी, रिया चौहान, अमन कुमार, जूली यादव, शिवांगी गौतम, विधि चौहान, रणधीर सिंह, कैमरा क्या हुआ।